मुंबई करो के लिए बड़ी खबर, कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट अब 2 महीने में नहीं 2 दिन में आएगी डेल्टा प्लस जांच की रिपोर्ट। दिसंबर तक सबको वैक्सीनेशन का केंद्र का दावा खोखला, एनसीबी प्रवक्ता के इस बयान का बीजेपी ने दिया जवाब। महाराष्ट्र के पालघर में मोबाइल नेटवर्क की तलाश में पेड़ पर चढ़े 4 लड़कों पर बिजली गिरने से 1 की मौत 3 घायल। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर सोनू सूद कोविड-19 दवाओ की खरीद के मामले में मानहानि की अपील। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश, कहा मैं 72 साल का हूँ, वर्चुअली पेश होने दे, मांगी कागजात की लिस्ट। महाराष्ट्र के 7 जिलों में डेल्टा प्लस के 21 मामले आ चुके सामने और 14 मामले आज फिर रिपोर्ट किए गए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस तेजी से फैलने के कारण राज्य में एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार प्रतिबंधों को कड़ा करने का फैसला लिया। इस समय सोना 47,000 के नीचे, लगातार गिरावट जारी। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल देशमुख, खत लिखकर कहा 72 साल का हूँ, वर्चुअली पेश होने दें, मांगी कागजात की लिस्ट। लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अभी भी आम आदमी को अनुमति नहीं, कोरोना खतरे को देखते हुए दिया गया फैसला। मॉर्निंग वॉक मैदान और साइकिलिंग के लिए सुबह 5 बजे से 9 बजे तक की अनुमति होगी। इसके साथ साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई लोकल मेक यात्रा करने के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया।